भारत में एक मुहावरा खूब चलता है, हार्टलैंड पॉलिटिक्स। मानव शरीर में एक हार्ट होता है, लेकिन भारतीय राजनीति में दो हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। आज हम दूसरे दिल माने बिहार की बात करने जा रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi was recently spotted relishing Lippi Chokha, a traditional Bihari dish in Delhi. His pictures went. प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली के हुनर हाट में लिट्टी चोखा खाकर जो संदेश देने की कोशिश की, वो संदेश अब बिहार की सियासत में खलबली मचा रहा है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, भोजपुरी में लिखा, कतनो खाइब लिट्टी चोखा, बिहार न भूली राहुल धोखा। मतलब ये कि लिट्टी चोखा कितना भी खा लीजिए, आपका दिया धोखा बिहार भूलेगा नहीं। विपक्ष के इन सवालों के बीच कहानी ये है कि मोदी के लिट्टी खाने के बाद बिहार में लिट्टी चोखा की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग मोदी के इस लिट्टी एपिसोड से खुश भी दिख रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लिट्टी खाए बिहार के। साल के अंत में बिहार में चुनाव है और लिट्टी चोखा के जरिए मोदी ने एक सियासी संदेश बिहार पहुंचा भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा था कि छठ पूजा तक पूरे देश में गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे। बिहार में सिर्फ बीजेपी के विरोधियों ने चुनावी घोषणा पत्र करार दे दिया। छठ पूजा तक छठी मैया की पूजा है, त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर बिहार चुनाव की पटकथा लिखने के आरोप लग गए। तो चुनाव की चिंता है ना कि लोगों की चिंता है। अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे से पता करें, समीक्षा करें, देखें, तो बिहार को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो लगेगा कि कोरोना जो था एक इतिहास था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर ये आरोप क्यों लगाए, इसके लिए दो बातें समझ। बिहार में समय से विधानसभा चुनाव हुए तो 2020 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। बिहार की बड़ी आबादी कोरोना काल में घर वापस लौटी, जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता ने आरजेडी के चुनावी मतलब को गलत बताया है। बिहार में सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है, बयानों के तीर चल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर थर्ड फ्रंट का अच्छी गुफा छोड़ा है। पप्पू ने कहा है कि एलजेपी, कांग्रेस और जन अधिकार पार्टी को साथ मिलाकर नया फ्रंट करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। बिहार में तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में इस वक्त पप्पू यादव और उनका ये कह रहा है कि देखिए आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी बहुत जल्द साफ होती हुई नजर आएगी, जहां कांग्रेस और एलजेपी यानी जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस और एलजेपी एक साथ आपको नजर आ सकते हैं। और इसकी पहल की शुरुआत पप्पू यादव ने कर दी है। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से मिलने का कोशिश करेंगे। सर मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूँ, शुद्ध बुद्धि हो रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। तो पप्पू यादव के स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये साफ लगता है कि पप्पू यादव भी समझते हैं कि इसकी राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि पप्पू यादव के दावे को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में तीसरे मोर्चे की जरूरत ही नहीं है और न ही इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की किसी से कोई बातचीत हुई है। मनीष जेटली ने कहा कि बिहार में कोई भी मोर्चा बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा चुनाव है और इससे पहले इस तरह की बयानबाजी कह लीजिए, इस तरह की कोशिश कह लीजिए, ये हर बार नजर आती है, लेकिन तीसरा फ्रंट कभी बनता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हालांकि इस बार फिर से पप्पू यादव ने राग जरूर छेड़ दिया है। जेडीयू कोटे के चार मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा दलित प्रेमी मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि पांच दिन पहले तक नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक इसे ढकोसला बता रहे हैं, क्योंकि अब वो आरजेडी के पाले में है। और देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में दलित आखिर खास क्यों है, क्यों सियासी खेमों में दलितों का हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। दरअसल बिहार में 16% दलित वोटर हैं। अनुसूचित जाति के लिए बिहार में कुल 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। और देखिए बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती, यानी 22 समुदाय दलित हैं। नीतीश कुमार ने 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर रखा है। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसी दलित वोट बैंक को लेकर तमाम पार्टियां दलितों पर अपना दलितों के नाम पर श्याम रजक ने घर वापसी की, तो क्या अब दलितों के नाम पर मांझी की घर वापसी कर रहे हैं? देखिए सब दिन हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कौन कहां किस दल में जाएगा कहां नहीं जा सकता है, खास करके अहम चुनाव के अवसर पर। नीतीश कुमार जी के साथ भी बात हो सकती है, अगर वो कर देंगे कि हाँ साहब सम्मानजनक सीट मिल जाए और पार्टी का विलय, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी का विलय करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बहुत विजय की। श्याम रजक ने जेटली छोड़ आरजेडी का दामन थामा तो बिहार की सियासत में दलित प्रेम और दलित विरोध की बहस एक बार फिर से छिड़ गई है और इसी बहस के बहाने पाला बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है।
बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या बलात्कार उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही है। इतना सा कोई रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%, तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नजरिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग। जेडीयू का तीर छोड़ श्याम रजक ने आरजेडी का लालटेन क्या थामा। नीतीश कुमार दलित विरोधी नजर आने लगे और बिहार भर में दलितों पर अत्याचार का एहसास होने लगा, लेकिन श्याम रजक के बहाने नीतीश को मांझी का साथ मिल गया। महागठबंधन में शामिल हम पार्टी के अध्यक्ष और नीतीश के साथ रहे जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए नीतीश को दलित विरोधी बताने पर श्याम रजक पर ही सवाल खड़े कर दिए। मांझी ने तेजस्वी और लालू पर ही दलितों की अनदेखी का आरोप जड़ दिया, साथ ही 20 अगस्त को दलितों के हित के नाम पर पाला बदलने को लेकर फैसला करने की बात कही, तो लगे हाथ जेडीयू ने मांझी के स्वागत की बात भी कह दी। वहीं मांझी के रुख से उलट कांग्रेस और आरजेडी श्याम रजक के आरजेडी में आने को जेडीयू के लिए बड़ा झटका बताते हैं और नीतीश को दलित विरोधी करार दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को मांझी से उम्मीद जरूर है कि वो महागठबंधन में बने रहें। और खबर है बिहार से। बिहार में चुनावों के लिए तैयारी जोर शोर से एक तरह से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की सक्रियता और कोरोना के कारण दिए दिशा निर्देशों ने किसी भी तरह के संशय को अब समाप्त कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है तो झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन पर्चा भरेंगे, नामांकन के दौरान केवल 2 लोग साथ होंगे, रोड शो के दौरान सिर्फ 5 गाड़ियों को परमिशन, डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी, डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग होंगे, कोरोना पॉजिटिव वोटर को टोकन दिया जाएगा, कोरोना पॉजिटिव वोटर अंतिम घंटे में वोट करेंगे, वोटिंग से पहले मतदाताओं को ग्लव्स दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान। राजेश ठाकुर ने कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला है, जो चुनाव प्रचार करने आएंगे वो लंबे समय तक कैसे कैंपेन कर पाएंगे, चुनाव आयोग को और सोचने की जरूरत है। भले ही कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले पर हैरान है, लेकिन झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जाहिर है ये गाइडलाइन वहां के लिए भी है। खबर है बिहार से। बिहार में चुनावों के लिए तैयारी जोर शोर से एक तरह से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की सक्रियता और कोरोना के कारण दिए दिशा निर्देशों ने किसी भी तरह के संशय को अब समाप्त कर दिया है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। शनिवार सुबह भाजपा के पटना के दफ्तर में चहल पहल देखी गई, दीवारों पर नए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे थे। मौका था राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का, जहां अधिकांश सदस्य और अब बिहार के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बिहार भाजपा दफ्तर में 70 से अधिक नेता कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इसकी तुलना में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में नेता तो नजर नहीं आए, लेकिन कार्यालय में तेजी से काम चल रहा है, नए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में इन दिनों संवाददाता सम्मेलनों का दौर चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के विधायक शामिल हो रहे हैं। शनिवार को तो सभी दलित मंत्री और नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे थे, लेकिन यहां भी निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के मद्देनजर अपने सरकारी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन, शिलान्यास या कार्यारंभ कर रहे हैं और भाषण में लेकिन एक बात कहना नहीं भूलते, उपलब्धता के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो पहले जर्जर तार था वो बदल दिया, कनेक्शन दे रहे हैं खेती के लिए भी और इसकी शुरुआत कर दी, और आगे मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाते हैं। बीजेपी की जो फिर से पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई ये बैठक, और ये बैठक कल भी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को प्रदेश चुनाव समिति का प्रभार भी सौंप दिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं। संजय जायसवाल ने अपने भाषण में केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया और साथ ही लालू राबड़ी सरकार की यादें भी दिलाई। बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया, जबकि नंदकिशोर यादव लालू राबड़ी सरकार और राम मंदिर का याद दिलाना नहीं भूले। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जाहिर है ये गाइडलाइन वहां के लिए भी है। झारखंड में सत्ता की अगुवा और बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम बिहार में भी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में महागठबंधन के कई साझेदार हैं, ऐसे में जेएमएम की दावेदारी और तैयारी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बाकी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच 2 दौर की बात हो चुकी है। हम चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के तहत तैयारी कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी एनडीए के नेता जुट गए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू के सामने उहापोह की स्थिति होगी, क्योंकि 2015 में बीजेपी ने कई सीटें जेडीयू से जीती थी, जबकि जेडीयू ने भी बीजेपी को हराकर कई सीटों पर कब्जा जमाया था। अब दोनों दल गठबंधन में है, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव के नेता दावा कर रहे हैं कि समय आने पर सीटों का मुद्दा भी सुलझा लिया जाएगा। वहीं विरोधी महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि एनडीए में भगदड़ मचेगी और उसका फायदा महागठबंधन को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। आरजेडी ने 160 सीटों की मांग कर दी, तो वहीं दूसरी सहयोगी पार्टियां राजद के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस और आरएलएसपी जैसी पार्टियां ऐसी मांगों को ज्यादा भाव नहीं दे रही है, तो सत्ताधारी जेडीयू के नेता विरोधी खेमे पर तंज कस रहे हैं और निशाना सीधे तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। इन दोनों के बीच जारी इस दल बदल के कारण बीजेपी और एलजेपी की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। इसकी वजह है परंपरागत 24 घंटे भी नहीं बीते चंद्रिका राय को आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामे और सीट को लेकर दमखम से दावा ठोक दिया। चंद्रिका राय ऐसे दावा करने वाले अकेले नहीं है। चंद्रिका राय के साथ ही आरजेडी से नाता तोड़ जेडीयू में आए जयवर्धन यादव भी कहते हैं कि परंपरागत सीट सबको प्यारी होती है। हालांकि जयवर्धन यादव जरूर कहते हैं कि पार्टी का फैसला उन्हें मान्य होगा। दरअसल आरजेडी से कई ऐसे विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं जो पिछले चुनाव में मौजूदा एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीते थे। मसलन परसा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को हराया था। फातेपुर के विधायक प्रेमा चौधरी ने एलजेपी के प्रत्याशी को हराया था। गायघाट के विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी के विनाश सिंह को हराया था। सासाराम से विधायक अशोक कुशवाहा ने बीजेपी के जवाहर कुशवाहा को हराया था। पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने बीजेपी के रामजन्म शर्मा को हराया था। दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने बीजेपी के अशोक यादव को हराया था। ऐसे में आरजेडी से आए विधायकों के सिटिंग सीट से ही चुनाव लड़ने के दावे ने बीजेपी नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है। इसलिए बीजेपी नेता सीटों के बंटवारे के वक्त सीटों के बलिदान की सलाह दे रहे हैं। वही एलजेपी नेता भी दबी जुबान में सीटों से आसानी से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है परंपरागत सीट को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में तलखी देखने को मिल सकती है। कहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई महीनों से दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार, उनमें असली झगड़ा सीटों के बंटवारे को लेकर है। लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव में कम से कम 43 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार एलजेपी को 30 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं। आधार मेलन टॉप के प्रोग्राम नेताजी घेरे में खुद चिराग पासवान ने कहा, हमें ज्यादा सीटें चाहिए ताकि हम ज्यादा जातियों को, ज्यादा वर्गों को समायोजित कर सकें और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा सकें। है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई महीनों से दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मुखर। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन दिल्ली जाते जाते पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। हमसे कोई सवाल नहीं पूछे, सीरियल से पूछे, अगर हम किसी सवाल को उठाएंगे तो सारा हर कोई इसको एक राजनीतिक क्रम दे देता है, बोलता है कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को, हम आलोचना कर रहे हैं सरकार की। ये मांगे हैं उचित मांगे, बताइए 42 लोगों का मरना, अपने हक अधिकार की मांग करते करते उनका मरना कहां से जाएगा? ये लोग बता रहे हैं कि उनके पास उनके कसम के लिए पैसे नहीं थे, जबकि उनको उनका हक अगर मिल जाता तो शायद वो ऐसी परिस्थिति में नहीं होते। इन मांगों को उठाना, इन मांगों को जायज ठहराना, अगर सरकार की आलोचना अगर कोई मानता है तो आलोचना ही सही, पर इन मांगों का पूरा होना जरूरी। रामविलास पासवान के बेटे सांसद और एनडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कोरोना को काबू करने में बिहार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान जेडीयू को असहज करने वाले कई बयान भी दिए। बाढ़ को लेकर भी वो नीतीश सरकार में कमी निकालते रहे। ऐसे में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बता दिया, उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं के तात्पर्य के साथ।